अगर आपके मन में सवाल आता है कि मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है, इससे बुरा समय आज तक मेरी लाइफ में नहीं आया, तो टाइम को कैसे बदलें यही बताता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक मूर्तिकार घने जंगल से जा रहा था, और जो ये आर्टिस्ट क्रिएटिव मूर्तिकार लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ नया करने की कोशिश होती है। मूर्तिकार ने वही रास्ते में एक पत्थर देखा, सोचा इससे मूर्ति बन सकती है, तो वो वहीं रुका, अपने थैले से सामान निकाला, पत्थर पर अपने हथौड़े से चोट करने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार एक बार तो चौंक गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा चलो छोड़ते हैं, और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा ये पत्थर एकदम ठीक लग रहा है, मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से सामान निकालना शुरू किया, पत्थर पर प्रहार करने ही वाला था कि अब की बार उसे आवाज नहीं आई। मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बना दी। फिर उसने सोचा कि बड़ी भारी मूर्ति बन गई है, इसको ले जाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगली बार जब आऊंगा तो लोगों के साथ आकर इसको ले जाऊंगा। मूर्तिकार जंगल से बाहर आकर के गांव में पहुंचा। गांव वाले ने इस मूर्तिकार से कहा, अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मंदिर बन चुका है, मूर्ति की जरूरत है और स्थापना करनी है, मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, बनाने की क्या जरूरत है, मूर्ति तो मैंने ऑलरेडी बना करके आया हूँ, जंगल में है, 4-5 लोग मेरे साथ चलो, वो मूर्ति लेकर के आते हैं। ये लोग जंगल में गए, जैसे तैसे मूर्ति को गांव लेकर आ गए। गांव में धूमधाम से मूर्ति की स्थापना कर दी गई। अब गांव वालों ने कहा, एक और पत्थर की जरूरत है, नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए। मूर्तिकार ने कहा, एक पत्थर और है जो जंगल में, उसे मैं ऐसे ही छोड़कर आ गया था, उसे लेकर आ जाते हैं। 4-5 लोग फिर से जंगल गए और वो पत्थर लेकर आ गए। अब वही दोनों पत्थर जो एक ही वक्त पर जंगल में थे, वो एक ही वक्त पर एक ही जगह पर आ गए, मंदिर में। लेकिन एक पत्थर की पूजा की जा रही थी, आरती की जा रही थी, और एक पर नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे, उसने जिस पत्थर की आरती की जा रही थी, उससे कहा, वाह तुम्हारे तो सही दिन चल रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, पूजा हो रही है, टीके लग रहे हैं, मजा तो आ रहा होगा ना। उस पत्थर ने मुस्कुरा कर उस नारियल वाले पत्थर से कहा, तुमने भी अगर उस दिन हथौड़े की पहली चोट सहली होती, तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। किसी ने सच ही कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा।